हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। कृपया अब योग निद्रा के लिए तैयार हो जाइए। जमीन पर शवासन अथवा मत्स्य क्रीड़ा आसन में आए। योग के वही शारीरिक स्थिति लेना पूरी योग निद्रा में। एक बार अच्छी तरह अपने शरीर की स्थिति को व्यवस्थित कर लीजिए और अपने शरीर को आराम की स्थिति में ले आइए। योग निद्रा का अभ्यास शुरू हो जाने के बाद शरीर को किसी तरह हिलाना नहीं है। आंखें बंद रखिए जब तक खोलने को न कहा जाए। अब गहरी श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए अनुभव कीजिए कि आपकी शारीरिक और मानसिक थकान दूर हो रही है। अब अभ्यास करते समय अनुभव कीजिए कि आपका शरीर विश्राम करने जा रहा है। शरीर को हिलाना अथवा मांसपेशियों को शिथिल करना आवश्यक नहीं है। केवल विश्राम की भावना को जगाइए। ठीक वैसा ही अनुभव कीजिए मानो आप रात्रि में सोने के लिए बिस्तर पर जा रहे हैं। जब शरीर शिथिल हो जाता है तब नींद आने लगती है। आपको सोना नहीं है, पूर्णतः जागरूक रहना है। यह बहुत ही आवश्यक निर्देश है। अब आप संकल्प कीजिए, मैं सोऊंगी नहीं, मुझे पूरे अभ्यास में जगते रहना है। अब आपको मेरी आवाज को सुनना है और उसे मानसिक रूप से क्रियान्वित करना है। अब सारे शरीर को आंतरिक रूप से शिथिल करने की भावना कीजिए। अपने ध्यान को शरीर पर केंद्रित कीजिए। पूर्ण शारीरिक स्थिरता के प्रति सजग रहिए। अपनी चेतना को सिर से पैर तक घुमाइए और मानसिक रूप से ओम का उच्चारण कीजिए। संपूर्ण शरीर का ध्यान कीजिए। संपूर्ण शरीर, संपूर्ण शरीर। अब आप ध्यान रखिए कि आप योग निद्रा का अभ्यास करने जा रहे हैं। मानसिक रूप से कहिए, मैं सजग हूं और मैं योग निद्रा का अभ्यास करने जा रही हूं। अब हम चेतना को क्रमशः शरीर के विभिन्न भागों में तेजी से घुमाएंगे। जितना संभव हो सके उतनी शीघ्रता से चेतना को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में घुमाना है। शरीर के इन अंगों का नाम मानसिक रूप से दोहराइए। साथ ही शरीर के उस भाग के प्रति सजग बनिए। अपने आप को सजग बनाए रखिए। अधिक एकाग्रता का प्रयास नहीं करना है। अपने दाहिने हाथ पर अपनी मानसिक सजगता को ले जाइए। दाएं हाथ का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, हथेली, हथेली का पीछे का भाग, कलाई, कोहनी, कोहनी से नीचे की भुजा,
कोहनी से ऊपर की भुजा, दायां कंधा, दाई बगल, दाई कमर, दाई जांग, दाएं पांव का घुटना, दाएं पांव की पिंडली, दाएं पांव का पंजा, एड़ी, तलवा, दाएं पांव का टखना, अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, शरीर का पूरा दायां भाग, शरीर का पूरा दायां भाग, शरीर का पूरा दायां भाग। अब सजगता को अपने बाएं हथेली पर ले आइए। बाएं हाथ का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, हथेली, हथेली का पीछे का भाग, कलाई, कोहनी, कोहनी से नीचे की भुजा, कोहनी से ऊपर की भुजा, बाई बगल, बाई कमर, बाई जांग, बाई पांव का घुटना, बाई पांव की पिंडली, पंजा, तलवा, एड़ी, बाई पांव का टखना, अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, शरीर का पूरा बायां भाग, शरीर का पूरा बायां भाग, शरीर का पूरा बायां भाग। अब सजगता को पीछे वाले भाग पर ले आइए। दायां पुट्ठा, बायां पुट्ठा, दायां कंधा, बायां कंधा, पूरी रीढ़ की हड्डी, पूरी रीढ़ की हड्डी, सिर का पीछे का भाग। अब सजगता को सामने वाले भाग पर ले आइए। ललाट, माथा, दाई भोय, बाई भोय, दाई आंख, बाई आंख, दाया कान, बाया कान, दाई नोस्ट्रिल, बाई नोस्ट्रिल, दाया गाल, बाया गाल, ऊपर का होठ, नीचे का होठ, ठुड्डी, गला, दाई छाती, बाई छाती, छाती के बीच का भाग, नाभि, नाभि से नीचे का शरीर। अब सजगता को पूरे दाएं पांव पर ले आओ। पूरा दायां पांव, पूरा बायां पांव, दोनों पांव एक साथ, पूरा दायां हाथ, पूरा बायां हाथ, दोनों हाथ एक साथ, पूरा पीछे का शरीर, पूरा आगे का शरीर, दोनों भाग एक साथ, संपूर्ण शरीर, ऊपर से नीचे तक संपूर्ण शरीर, संपूर्ण शरीर, संपूर्ण शरीर। अब अपनी सजगता को अपनी श्वास प्रक्रिया पर ले आइए। अपने श्वास प्रक्रिया के प्रति जागरूक बनिए। फेफड़े से जो श्वसन क्रिया आप कर रहे हैं उसका अनुभव कीजिए। आप श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। श्वास की लय को बदलिए नहीं, स्वाभाविक श्वसन क्रिया करते जाइए। आप इसमें अपना कोई प्रयास मत कीजिए,
अपनी श्वास के प्रति पूर्ण सजगता। अब अपनी सजगता को अपने पेट पर ले आए और अपने आप से कहिए, मैं पूरी तरह सजग हूं और मेरी पूरी सजगता मेरे गर्भ पर है। मेरे पेट में मेरा गर्भ, मेरे गर्भ में मेरा बच्चा, मेरी पूरी सजगता मेरे गर्भ पर है। मेरे गर्भ में मेरे बच्चे का समय के हिसाब से शारीरिक विकास व्यवस्थित है, सुगठित, सुदृढ़, सशक्त ऐसा मेरा बच्चा। मुझे एहसास हो रहा है उसकी हलचल का, उसका हाथ हिलाना, पाँव हिलाना, गर्दन घुमाना, उसकी हर हरकत का एहसास हो रहा है। मेरा गर्भ और मैं एक ही हूं, एक ही समान सूत्र है हम में। वो मेरे शरीर का, मन का, मेरी आत्मा का एक भाग है, उसकी योग्य शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास होने के लिए वह पूरी तरह मुझ पर आश्रित है और इसीलिए मैं उसकी हर आवश्यकता की पूर्ति प्राथमिकता पर करती हूँ। उसके लिए मैं हर तरह से तैयार हूँ, शरीर से, मन से पूरी तरह तैयार हूँ। मेरा आहार, विहार, विचार, स्वास्थ्य मैं पूरी तरह अच्छा रख रही हूँ। मेरा होने वाला बच्चा, चाहे वो लड़का हो या लड़की, मेरे लिए प्राण प्रिय है। शारीरिक दृष्टि से पूर्ण सक्षम है मेरा गर्भ, व्यवस्थित उसके हाथ पैर, भरदार वृक्ष स्थल, समतल पेट, सुंदर कमर, लंबी उंगलियां, गोल चेहरा, हिरण जैसी सुंदर आंखें, धनुष आकृति जैसी उसकी भौहें, पलकों के लंबे बाल, सीधी नाक, काले घने बाल, तेजस्वी त्वचा, अर्जुन जैसा एकाग्र और भीम जैसा बलवान है मेरा बच्चा। मेरे बच्चे का मन स्वच्छ, सागर जैसा विशाल और हिरण जैसा चंचल है मन उसका, पर्वत जैसा मजबूत इरादे वाला, साथ ही पारिजात जैसा कोमल है उसका मन। नीले सागर जैसा गहरा लेकिन आसमान को छूने वाला है उसका मन, आईना जैसा साफ, पानी जैसा पारदर्शी है उसका मन, सागर जैसा
गंभीर, पल में एकाग्र होने वाला और जब चाहे तब दसों दिशा पार करने वाला है मेरे बच्चे का मन। उसके भाव रविंद्रनाथ जैसे कोमल होंगे, वह खुद के भावनाओं का मान रखेगा, दूसरों के भावनाओं का आदर करने वाला होगा। स्वामी विवेकानंद जैसा ध्यानी, ज्ञानी, प्रभु रामचंद्र जैसे एकवचनी, हरिश्चंद्र जैसा सत्य प्रिय, माता सीता जैसा चारित्र संपन्न, दानी करण जैसा दानवीर, भगवान कृष्ण जैसा व्यवहार चतुर, धर्म राजा जैसा नीति धर्म पालने वाला, महात्मा जी जैसा सहनशील, मदर टेरेसा जैसा सहानुभूति, ममता एवं विश्व बंधुत्व को पालने वाला, ऐसा होगा मेरा घर, मेरा होने वाला बच्चा। उसको हर विषय में रुचि होगी, उसको हर विषय में रुचि होगी, भाषा, शास्त्र, कला, संगीत, नाट्य, खेल, वाणिज्य, अभियंत्रिकी, वैदिक, तत्वज्ञान, काव्य, हर शाखा में उसको लगन होगी। उसके रुचि के हिसाब से वो एक शाखा में व अनेक शाखा में विशेष योग्यता हासिल करेगा। स्वाध्याय और अध्ययन से वह आध्यात्मिक व सामाजिक उन्नति करेगा। सर्व संपन्न व्यक्तित्व रहेगा मेरे गर्भ में पल रहे मेरे बच्चे का। आज मेरा गर्भ मुझ पर पूरी तरह से निर्भर है, पर कल ये दुनिया में आने के बाद मैं और मेरा पूरा परिवार उसकी हर सुविधाओं का ख्याल रखेगा। उसको ढालेंगे नहीं हम, पर वो खुद ही बनेगा ऐसा वातावरण हम उसको देंगे। उसका खुद का वैभवशाली व्यक्तित्व होगा। इस बात का मुझे पूरा आत्मविश्वास है। सदाचार, सत्विचार, सत्य प्रणयता, सत्य वचन, स्वावलंबन, सद्भावना, सहनशील, संयम, सुसंवाद, साहस, सक्षमता, सहानुभूति, सहसंवेदना, सहकार, सर्वधर्म परायणता, शालीनता, ऐसे गुणों वाला होगा मेरा बच्चा। मेरे बच्चे, इस बाहर की दुनिया में सब कुछ बहुत अच्छा दिया है निसर्ग ने। तीन ऋतु है, 12 महीने हैं, निसर्ग चक्र नियमित घूमता रहता है।
साफ नीला आकाश जो कभी काले बादलों से ढका रहता है, शांत गहरा सागर जिसमें कभी ऊंची ऊंची लहरें उठती है, हरी भरी फलों फूलों से लदे बगीचे जो कभी कभी सूख जाते हैं पर फिर और अगले आने वाले ऋतु में फिर सारे पेड़ फल फूलों से लद जाते हैं। इंसानों के द्वारा बनाई गई बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर, रोज नए नए शोध होते हैं, नए नए आविष्कार होते हैं जिससे देश की भौतिक प्रगति होती है, आध्यात्मिक आत्मिक सुख संपन्नता इसको भी कोई नहीं भूलता, इसका भी सब ध्यान रखते हैं यहाँ पर। ऐसी सुंदर दुनिया है बाहर की मेरे बच्चे, ऐसी सुंदर दुनिया में तुम्हें आना है मेरे बच्चे, इस दुनिया की उन्नति करने में तुम्हें भी अपना सहयोग देना है, योगदान देना है, अच्छे लोगों का साथ देना और गलत लोगों को सही रास्ते पर लाने का काम तुम्हें करना है मेरे बच्चे। तुम तो आज्ञाकारी बनोगे लेकिन अपनी बात पर अडिग रहने वाले होंगे, तुम्हें अपने ऊपर पूरा आत्मविश्वास होगा, तुम खुद की कदर करने वाले होंगे, खुद की सभी क्षमताओं का तुम्हें ज्ञान होगा और उस क्षमता का तुम हमेशा सही उपयोग करोगे, खुद की मर्यादा तुम्हें पता होगी और उस मर्यादा के बाहर तुम कभी नहीं जाओगे। चींटी जैसा हमेशा काम करने वाले होंगे पर राजा हंस जैसा विवेक रखोगे, तुम्हें पारिवारिक सामाजिक धार्मिक रीति रिवाजों को निभाने में तकलीफ नहीं होगी, उसका तुम हमेशा मान रखोगे सम्मान करोगे। मेरा और मेरे गर्भ का मेरे बच्चे का यह सुसंवाद हमेशा चलता रहता है, मेरे प्रत्येक विचार भावना इच्छा मेरे गर्भ पर असर कर रही है क्योंकि हम एक ही है, मेरी हर बातों की वह जानकारी रख रहा है। उसके लिए मुझे पूरा आत्मविश्वास है कि मेरे ये गर्भधारण का प्रसूति पूर्व समय बहुत अच्छे से सुख समाधान से संपूर्ण स्वास्थ्य के साथ निरामय ऐसा जाएगा। शारीरिक सुदृढ़ता मानसिक संतुलन और अच्छे भाव बने रहेंगे पूरे समय मेरे और मेरे गर्भ के मेरे होने वाले बच्चे के, ऐसा मेरा और मेरे होने वाले बच्चे का दिन रात सुसंवाद चल रहा है। मैं पूरी तरह आश्वस्त हूं कि मेरा यह प्रसूतिपूर्व समय सुखमय बीतेगा। प्रसूति के दौरान जो कष्ट होगा वह मुझे कष्ट नहीं लगेगा,
क्योंकि उसी वजह से मैं एक सुसंपन्न, सबको लुभाने वाला, हर किसी को अपना सा लगने वाला व्यक्तित्व को मैं इस दुनिया में लाने वाली हूं। आज जो बच्चा मेरे ऊपर पूरी तरह से निर्भर है, कल वही बच्चा मेरा, मेरे परिवार वालों का, मेरे समाज का एक मजबूत आधार बनने वाला है। उस आधार को आज आधार देने वाली मैं, शरीर, विचार और मन से पूरी तरह समृद्ध, संपन्न और प्रकृति ने जो मुझे यह वरदान दिया है, उसकी मैं बहुत आभारी हूँ। वैश्विक चैतन्य को भौतिक रूप देने का कार्य मैं सक्षमता से व्यवस्थित पार करने वाली हूँ। उसके लिए प्रकृति, मेरा परिवार, मेरा समाज मेरे साथ है। इसका मुझे पूरा आत्मविश्वास है। ए मेरे बच्चे, तुम्हारी माँ का तुम्हारे ऊपर पूरा ध्यान है। तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो कि इस दुनिया में आने तक तुम मेरे पेट में, मेरे गर्भ में सुखी हो। तुम्हारी हर जरूरत तुम्हारी माँ पूरी कर रही है। तुम्हारे हृदय की धड़कन मेरे हृदय की धड़कन दोनों एक ही है। मेरी हर आवाज को तुम सुन रहे हो और तुम्हें वह समझ आ रहा है और मुझे यह पूरा भरोसा है कि जब तुम इस दुनिया में आओगे तब तुम पूरी तरह से आनंद में रहोगे। तुम्हारे सामने तुम्हारी पूरी जिंदगी खड़ी है और उस जिंदगी में तुम पूरी तरह सुखी रहोगे, दूसरों को सुखी करोगे, सुख दोगे और खुद सुखी रहोगे। मेरे बच्चे, तुम मेरे ऊपर पूरी तरह निर्भर रहो। हल्के हल्के से अब अपनी सजगता अपने गर्भ से दूर करो। अब श्वास के ऊपर ध्यान दो और जो आपका पेट श्वास के साथ ऊपर नीचे हो रहा है उसको देखो। शांत धीमी श्वास अनुभव करो। शांत धीमी श्वास अनुभव करो। प्रत्येक ध्वनि को सुनो, दूर की ध्वनि, जितने दूर की ध्वनि आप सुन सकते हैं सुनो।
अपने आसपास की ध्वनि को सुनो। और धीरे धीरे गहरी श्वास लो और छोड़ो। उठ कर बैठो और ओमकार सुनो। पामिंग करेंगे, पूरे चेहरे पर दोनों हाथ लगा लो, आंखें खोल लो। हरिओम तत्सत। मैं सीमा कासलीवाल, योग इंस्ट्रक्टर, सुजोग एक्सपर्ट एंड थेरेपिस्ट, निरामय योग और स्माइल मेडिटेशन सेंटर भोपाल की संचालिका। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9425008530। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।